हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2 और अभी से आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है, कल रात भर बारिश हुई लेकिन 5 बजे के आसपास फिर बारिश रुक गई थी। अभी भी बारिश रुकी है और आसमान तो अभी भी बादलों से घिरा है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। और मुझे अभी लगता है कि अब थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है, बारिश होती है या फिर आसमान सिर्फ बादलों से घिरा रहता है। तो अभी चाय बनकर तैयार है। अभी तक मैं कुछ काम कर रहा था तो फिर हेमंत रूम के लिए चाय लेकर आ गया था। तो अभी मैं अपने गांव में पहुंच गया हूं और अब थोड़ी देर बाद मैं जो मेरे गांव के साथ वाला बगीचा है वहां पर जाऊंगा। तो अभी मैं अपने गांव से निकल गया हूं बगीचे को, चलते हैं जल्दी जल्दी। तो कल मेरी ड्यूटी घर के साथ वाले बगीचे में थी, तो सेब का पैरा करने की। तो आज मेरी ड्यूटी घर वाले ने गांव के साथ वाले बगीचे में लगा दिए। तो अभी बगीचे का एक राउंड लगाते हैं। बाकी अभी तो तोते नहीं है लेकिन जो निचली साइड को लोगों के बगीचे हैं वहां पे बहुत ज्यादा तोते हैं, क्योंकि लोगों ने जोर जोर से आवाजें लगाई है तोतों को भगाने के लिए। हाइट हाइट जोर जोर से बोल रहे हैं तो तोतों को भगाने के लिए हाइट हाइट बोलते हैं। बाकी अभी यहाँ तो है नहीं तोते लगे। तो आजकल सेब की रखवाली करने की ड्यूटी सभी पेरेंट्स ने अपने अपने बच्चों को सौंपी है, क्योंकि स्कूल तो आजकल बंद है तो फिर कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो फिर बच्चों का यही काम है कि वो खेत में बैठे रहे और सेब की रखवाली करे। तो फिर सभी को ड्यूटी मिलती है तो सभी निभाते हैं, और मेरे को भी ड्यूटी दी है तो मेरे को भी निभानी पड़ेगी। अब दिन प्रतिदिन सेब का साइज भी बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ने की वजह से टहनियों पे भी वजन पड़ रहा है और फिर टहनियां दिन प्रतिदिन नीचे झुक रही है, तो फिर रास्ता भी अब बंद ही हो रहा है। मतलब टहनियां झुकने की वजह से रास्ता ब्लॉक ही हो रहा है। तो अभी मेरे को बगीचे में रह के 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तब मैं स्टार्टिंग में बगीचे में आया था अभी, तब तो मेरे को लोगों की ज्यादा आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अभी मेरे को काफी टाइम हो गया है तो निचली साइड से लोगों की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। तो सभी ने जोर जोर से आवाजें लगाई है तोतों को भगाने के लिए। हाइट हाइट नीचे से यही आवाजें गूंज रही है और मेरे को लग रहा है तोतों का आक्रमण निचली साइड को बहुत ज्यादा है। 20 minutes later तो ये 2-3 तोते अभी एंटर हो ही गए थे बगीचे में, सेब खाने लग ही गए थे। तो वो तो मैंने भगा दिया है क्योंकि उनका बहुत बड़ा झुंड नहीं था। अगर उनका बहुत बड़ा झुंड होता तो उनको भगाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती और वो काफी ज्यादा सेब भी खा जाते। तो 2-3 ही थे तो उनको भगाने में कोई ज्यादा मुश्किलें नहीं हुई। तो अभी हम बहनी भाई से तोतों के बारे में थोड़ी राय लेते हैं, उनका क्या कहना है इस ड्यूटी के प्रति। तो अभी बहनी भाई भी पहुंच गए, ये भी अपने बगीचे को गए थे। सर क्या कहना चाहोगे इन तोतों के लिए? सुबह से लेकर शाम तक दिमाग खराब कर रखा है। तो अभी हम बगीचे में बैठ जाते हैं थोड़ी देर, दोनों बैठ गए। ये भी यहाँ पे बैठ गया, इनका बगीचा नीचे निचले साइड भी है, इससे नीचे भी है। तो
पीछे को भी है, तो अभी यहीं बगीचे में बैठ जाते हैं क्योंकि अब तोते थोड़ी थोड़ी दस्तक दे रहे हैं और उनका कोई भरोसा भी नहीं है कब एंटर हो जाए, तो अब थोड़ी देर यहीं बगीचे में बैठते हैं। तो गाइस जिनके सेब है वो समझ सकता है कि आजकल तोतों की वजह से कितनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तो सुबह से लेकर शाम तक खेत में ही सभी होते हैं आजकल तो अपने सेब की रखवाली करने। तो मेरी भी हालत खराब है, तो सुबह के टाइम पापा की ड्यूटी इधर को, फिर मैं वहाँ पे जो घर के साथ वाला बगीचा है वहाँ पे, तो शाम को फिर मैं यहाँ, फिर पापा दूसरे बगीचे में, इसी तरह सारा दिन इसी तरह से आजकल बीत जाता है। इनके सेब है वो समझ सकते हैं हमारी फीलिंग्स को। तो अब मैं जा रहा हूँ घर वापस और अब बहनी भाई संभाल, अब बहनी भाई यहाँ पे संभाल देंगे। क्यों बहनी भाई संभाल देंगे, संभाल देंगे। और अब तोते भी नहीं है ज्यादा, अब तोतों की आवाज भी नहीं आ रही है ज्यादा, अब उड़ गए तोते, तो चलते हैं गाइस। अब तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।